पूरी जिंदगी गुजर गई जेन्युइन हम हाउस बोट वाले ही था, लेकिन किस्मत ने पलट खाया, बाप माँ गुजर गया जी। उस वक्त चाचा के साथ था, उन्होंने सारा प्रॉपर्टी को एक एक लिया तो वो ने आज तक कभी एटीएम पानी में नहीं देखा होगा। फर्स्ट टाइम मैं आपको एटीएम पानी में दिखाने जा रहा हूँ, कश्मीर के डल लेक में आप देखे एटीएम एसबीआई का। डल लेक है जिसमें मिशन कश्मीर बन गया, दिल रूपा बन गया, सिलसिला बन गया, कश्मीर की कली बन गया, जो भी प्राणा टू हिस्ट्री था सारा हीरो आते थे बनाते थे फिल्म यहाँ पे। तो अब हीरो नहीं यहाँ इस साइड आते हैं। इस साइड तो हीरो धर्मेंद्र वो भी बूढ़ा, जितेंद्र वो भी बूढ़ा, शमी कपूर तो वो पागल खानदान का ही। पानी में आपने आज तक कभी रेस्टोरेंट नहीं देखे होंगे, फर्स्ट टाइम आप भी देखे होंगे, ट्राई एंड टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब दोस्त देख रहे होंगे कि इंटीरियर आज डिफरेंट दिख रहा है, पीछे से ये खुला हुआ है। इस समय में शिकारा पे हूँ जो कश्मीर में फेमस है, और डल लेक में मैं इस वक्त हूँ। मैंने सोचा आप सब दोस्तों को भी थोड़ी सी मैं खूबसूरती दिखा लूँ डल लेक की। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको हाउस बोट भी दिखाऊंगा कि हाउस बोट अंदर से कितना खूबसूरत होता है और हाउस बोट में क्या क्या मिलता है। चलिए आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, और जो चैनल पेज पर नए होंगे रिक्वेस्ट है कि चैनल और पेज को सब्सक्राइब करें, अगर हो सके तो वीडियो को लाजमी शेयर करें। चलिए देखें आप कश्मीर के नज़ारे और डल लेक के नज़ारे। जो आप देख रहे हैं ये हाउस बोट्स हैं, जब कोई बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो वो इनमें स्टे करते हैं, जिनका जैसा शौक़ होता है। और माशाल्लाह ये आप खूबसूरती देखिए, क्या खूबसूरती है। साइड साइड से शिकारा भरे हुए हैं, आज तो टूरिस्ट कम हैं, बहुत ज़्यादा कम है टूरिस्ट इस वक्त। खैर फिर भी जो कश्मीर है वो हमेशा हंसता रहता है, जो कश्मीर की खूबसूरती वो दिन ब दिन बढ़ती रहती है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा, ये आप देखिए, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है डल लेक कैसा है तो वो आज मेरी वीडियो को देखकर नज़ारे देख ले। और पानी आप देखिए, बिल्कुल पानी साथ साथ में है। तो हम शिकारा वाले अंकल के साथ भी बात करेंगे। अंकल जी आपका नाम क्या है? फारूक अहमद। आपको कितना टाइम हुआ ये शिकारा चलाते हुए? 40 साल हो गया। 40। अच्छा, आपकी आधी जिंदगी गुजर गई इसी में? पूरी जिंदगी गुजर गई, जेन्युइन हम हाउस बोट वाले ही था, लेकिन किस्मत ने पलट खाया, बाप माँ गुजर गया जी। उस वक्त चाचा के साथ था, उन्होंने सारा प्रॉपर्टी को एक एक छीन लिया तो वो खा लिया, तो फिर मैं मजदूरी करता है इसी में अपना गुजारा चलाता हूँ। तो कितना आप लेते हैं एक राइड का? एक राइड का अगर बड़ा भी जाएगा उसमें रुपया 3000 तो लगता है। ठीक, तो बाकी अगर नॉर्मली नॉर्मल जाएगा 1000-1200-1500 तो लेता है। और ये आप देखिए, इसपे आपको खाने का सामान मिलेगा। और आप खूबसूरती देखिए शिकारा की, और हाउस बोट जो है ये कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं हाउस बोट। दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ आवर कश्मीर। और यहाँ से आप देखिए शिकारा की लाइन कैसे लगी हुई है, कितनी खूबसूरत लाइन लगी हुई है शिकारा की। अब ये सेटिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, अब ये निकलेंगे अपने काम के लिए। आपने आज तक कभी एटीएम पानी में नहीं देखा होगा, फर्स्ट टाइम मैं आपको एटीएम पानी में दिखाने जा रहा हूँ, कश्मीर के डल लेक में आप देखे एटीएम एसबीआई का। ये रहा एसबीआई का एटीएम, देखिए ये आपने कभी देखा नहीं होगा। जिसको भी यहाँ आना हो, एटीएम से पैसे निकालने हो तो वो आ सकते हैं। यहाँ पे एसबीआई का एटीएम यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं। ये भाई हैं, इनको हॉट चॉकलेट भेजने को यहाँ पे मिलता है, ये हॉट चॉकलेट भेजते हैं। हर एक सर्विस अवेलेबल है आपको डल लेक में। और किश्ती इस वक्त दौड़ने लगी, मैं भी किश्ती को चला रहा हूँ, और जो इस किश्ती का नाम है सिल्वर मून। और देखिए कितनी तेज चल रही है मेरे चलाने से। खैर आप भी आइए, एंजॉय करिए आप, जिंदगी 2 दिन की है और इसी किश्ती की तरह जिंदगी चलती रहती है, कभी आगे कभी पीछे।
और आप देखें पानी में आपको यहाँ चिकन शॉप भी देखने को मिल रही है। ये रही चिकन शॉप रहमत चिकन। तो ये आप फूल देख रहे हैं, ये लोटस का फूल है और इसी में एक यहाँ मशहूर पकोड़े बनाए जाते हैं, उनको नदड़ पकौड़ियाँ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो वो इसी में निकलते हैं। तो अभी तो इसमें नहीं होंगे, तो इसी में बड़ा लोटस बनता है, जैसे कि अंकल बोल रहे हैं ये लोटस है। निकलता है कमल ककड़ी, ठीक, वो ज़्यादा ताकतवर भी होता है और स्वीट भी होता है, मतलब टेस्टी वाला होता है सब्जी। यहाँ से पूरा ये भरा हुआ है। आप लेक देख रहे हैं, इस लेक का नाम गोल्डन डल लेक है। जगह जगह चेंज होता रहता है, जैसा अपना मोहल्ला है उसी के हिसाब से। और आप देखिए यहाँ पे ये फ्रूट का शिकारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्रूट भी मिलेगा खाने के लिए, रेडी जो हम रेडी पे फ्रूट भेजते हैं वो यहाँ शिकारा में भेजते हैं। गोल्डन लेक, तो यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेगी, आइटम्स मिलेंगे जो हैंडमेड बनाए गए हैं। ये रेस्टोरेंट है, पानी में आपने आज तक कभी रेस्टोरेंट नहीं देखे होंगे, फर्स्ट टाइम आप भी देखे होंगे। ट्राई एंड टेस्ट, जहाँ पे आपको कुल्फ़ी मिलेगी, खाने के आइटम्स मिलेगी, जो जो आपको खाना होगा वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। यह रेस्टोरेंट है डल लेक में। कौन आपको इतनी चीज़ें दिखाता है मेरे अलावा। नज़ारा लीजिए, नज़ारे का मज़ा लीजिए आप। और ये रहा रेस्टोरेंट जो पानी में है, ये पानी रहा और ये रहा रेस्टोरेंट। और ये रही नेहरू पार्क जो बनाई गई है नेहरू जी के नाम पे। यहाँ से ये स्टार्ट होती है वहाँ तक, और पीछे होटल भी है इसमें। और यहाँ पे जो बोटें लगी हुई है ये सारी वो मोटर से चलती है। यहाँ से देखिए सियाह आए हुए हैं, वहाँ पे कपड़े लगाए जा रहे हैं। और ये नज़ारा इस वक्त देखिए, लेक है जिसमें मिशन कश्मीर बन गया, दिलरुबा बन गया, सिलसिला बन गया, कश्मीर की कली बन गया, जो भी प्राणा टू की हिस्ट्री था, इधर सारा हीरो आते थे बनाते थे फिल्म यहाँ पे। तो अब हीरो नहीं यहाँ इस साइड आते हैं। इस साइड तो हीरो धर्मिंदर वो भी बुढ़ा, जितेंद्र वो भी बुढ़ा, शमी कपूर तो वो पागल खानदान का ही।